अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खट्टा चुका, जिसे हम मटन और चने की दाल के साथ बनाएंगे। आप चाहे तो, अगर आप मटन नहीं खाते तो आप मटन नहीं भी डाले तो चलता, उसके बदले आप सिर्फ दाल भी डाले तो चलता। तो हमने इसमें 3 प्याज लिए थे नॉर्मल साइज के, तो उसको पतली स्लाइस में काट के मटन में हल्दी नमक और थोड़ा सा तेल डाल के उसे गला दिया था। तो ये हमने 100 ग्राम मटन लिया था और 2 से 3 प्याज ली थी हमने, और 100 ग्राम हमें चने की दाल लगी थी, और ये दो गड्डी खट्टा चुका है, और 1 टमाटर, और आखिर में बघार के लिए 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्ची और 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून 1 से 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर और बिल्कुल 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये 150 ग्राम मीठा तेल लिया है जो हम पहले दाल एक बघार में डाल के फिर आखिर बघार में भी डालेंगे हम इसे। तो सबसे पहले हमें कुकर में ये दाल और मिर्ची हल्दी अदरक लहसुन डाल के पहले दाल को गला देंगे। सबसे पहले हमने ये जो तेल रखा था उसको इसमें आधा डाल देंगे, और आधा हम बघार के लिए रखेंगे। फिर इसमें नमक डाल देंगे, नमक आप आपके हिसाब से डाल दें। और जो मटन नहीं खाते खाना पसंद करते, जो सिर्फ बघारी खाना पसंद करते, तो वो टमाटे प्याज और दाल एक साथ इसी तरह बघार के गला दे, फिर उसके बाद खट्टा चुका डाल दे काट के। तो हम सबसे पहले ये लाल मिर्ची हल्दी पाउडर डाल देंगे, उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे अच्छे से भुने बाद फिर ये टमाटे डाल देंगे। और फिर ये जो चने की दाल रखी थी हमने वो डाल देंगे। बस हम सिर्फ 1 सीटी होने तक इसे गलने देंगे, क्योंकि हमने इसे 4-5 घंटे भिगो के रखा था, तो इसलिए हम, अगर आप जब का जब पका रहे हैं तो आप है तो 2 से भी 3 सीटी होने देना आपके हिसाब से। अब इसे हम कुकर को लगा देंगे, फिर उसके बाद हम इसमें भाजी डालेंगे। ये हमारी चने की दाल हमने 1 से 2 सीटी होने दिया था, ये इस तरह हमारी चने की दाल इतनी ही गलने देना है हमें, थोड़ी साबित रहे उतनी, क्योंकि हम मटन दाल के इससे और गलने देना है, थोड़ा और पकाएंगे, इसलिए हमने थोड़ी इसको साबित ही रहने देना है। बहुत गल गई तो अच्छी नहीं लगती वो भाजी में। इसे हम 4 से 5 मिनट और पकने देंगे, फिर इसके बाद इसमें भाजी डाल देंगे। अब ये हमारी दाल और मटन अच्छे से पक चुका है, हमने इसे 4-5 मिनट से पकाए, 4-5 मिनट पक रहे हैं, और ये हरी मिर्ची हमने बीच में से चॉप कर दिए हैं। पे ये ऑप्शन है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं डालना चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ये भाजी डाल देंगे, हमने इसे कतर दिया था जिस तरह चौले की भाजी कतर थे, जिस तरह हमने कल्ली की भाजी को चॉप किया था वैसे चॉप कर दिया है। और 4-5 मिनट हम पकने देंगे इसे, हमें बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, थोड़ा पतली पतली ही रहने देना है।
आप चाहे तो, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सूखी भी रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी पतली टाइप अच्छी लगती है। तो इसे अब 4-5 मिनट हम और थोड़ा पानी डाल के पकने दें। बिल्कुल 1 कप पानी डाला हमने, इसे खुला ही रख के कुकर पकने देना। ये हमारी भाजी 4-5 मिनट से पक रही है, इस तरह से पक चुकी है। अब इसे हम इतनी ही पतली रहने देंगे, आप चाहे तो इसे सुखा भी सकते हैं और देर तक पका के। तो बस हम इसी स्टेप पे से एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने एक बघार के लिए एक पैन लिया है, जो ये तेल रखा था वो उसमें हम डाल देंगे। हरी मिर्ची को हम बीच में से इस तरह से तोड़ देंगे। तेल हमारा गर्म है, इसमें हमने जीरा और मिर्ची डाल दी। बस हमारा बघार अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसमें हम बस मामूली चुटकी भर मिर्ची डाल के चप्पा डाल दें, आप चाहे तो नहीं भी डाल। हमने ये भाजी को एक बाउल में निकाल लिया था, उसमें हम ये बघार डाल लेंगे। तो लीजिए बहनों, हमारी खट्टा चुका मटन वाली भाजी तैयार है। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं।